टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज गाड़ी आई है हमारे पास महिंद्रा की स्कॉर्पियो, और इस गाड़ी में कस्टमर की कंप्लेंट है। ये जो हमारी घड़ी है गाड़ी की, ये घड़ी हमारी गाड़ी की रॉन्ग चल रही है, ठीक है, गलत चली, 12:12, ठीक है, और टाइम अभी का है 7:15। और दूसरी समस्या जो गाड़ी में है, इसका ये जो सेंट्रल लॉकिंग है, ये लॉक करने के बाद में कंटिन्यू इसका सायरन और इंडिकेटर फ्लैश करते हैं, और लॉक अनलॉक करने पे 2 बार बोलता है, लॉक करने बाद कंटिन्यू ऑन रहता है, ठीक है। तो जैसे ही गाड़ी को लॉक करते हैं, ये लॉक हो चुकी गाड़ी हमारी, ठीक है, ये गाड़ी हमारी लॉक हो चुकी है, और सायरन हमारा और इंडिकेटर फ्लैश हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही इसको चाबी ऑन कर देते हैं तो इंडिकेटर हमारे ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, तो ये इंडिकेटर हमारे बंद हो चुके हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। और जैसे ही गाड़ी को कहीं पे रोक के साइड में बंद करते हैं और गाड़ी को लॉक करते हैं, तो इंडिकेटर हमारे कंटिन्यू ऑन रहते हैं और सायरन बराबर कंटिन्यू एक्टिवेट रहता है, तो रात में बैटरी गाड़ी की डिस्चार्ज हो जाती है। और अनलॉक करते हैं तो सायरन हमारा 2 बार बोलता है, इंडिकेटर 2 बार फ्लैश करते हैं, उसके बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। तो गाड़ी को अनलॉक करते हैं, 2 बार बोला, इंडिकेटर जले, बंद हो गए, और लॉक करने पर कंटिन्यू सायरन आ रहा है। तो इसका टाइम भी सेट करने वाले हैं और दिखाते हैं कि सेंट्रल लॉकिंग में प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्योंकि गाड़ी में जो सेंट्रल लॉकिंग फिटिंग है ये कंपनी फिटेड है, ठीक है। तो इसमें दिखाते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले गाड़ी का टाइम सेट करते हैं, तो टाइम सेट करने के लिए सबसे पहले इग्निशन ऑन करते हैं गाड़ी का, ये हमारा सेंट्रल लॉकिंग ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो गाड़ी में दिखा रहा है 12:14, 20 मिनट, और टाइम हो रहा है हमारा 7:20। तो सबसे पहले इसके टाइम को सेट करेंगे, तो ये सेट वाला बटन है और ये हमारा मोड वाला बटन है, ठीक है। तो सेट वाले बटन को दबा के रखेंगे, ये सेट वाला बटन हमारा काम कर चुका है, मोड वाले बटन से इसको बढ़ाएंगे आगे 7:20, 7+ सेट वाले बटन को वापस से दबाएंगे, ये हमारा मिनट पे आ चुका है, ये हमारे घंटे हैं, ये मिनट है। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक ये टाइम ले लेगा, ये हमारा 7:20 आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। चाबी ऑफ करके ऑन करेंगे, अब ये टाइम हमारा नहीं जाएगा, ठीक है, 7:20। और रही दूसरी सेंट्रल लॉकिंग की प्रॉब्लम, तो ये हमारा बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ड्राइवर साइड का डोर ओपन करेंगे, दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसके लिए क्या करना रहेगा, ठीक है। तो गाड़ी का गेट खुलवाते हैं पहले, तो गाड़ी का गेट हमारा अभी पूरा फिटिंग है, ठीक है, गेट गाड़ी का पूरा कसा हुआ है हमारा, ठीक है। तो गेट को बाहर निकलवाएंगे, उसके बाद में दिखाएंगे उसके इस प्रोसेस के लिए क्या करना रहेगा गेट में। तो गाड़ी का गेट जैसे ही बाहर खुलता है, दिखाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो गेट हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम दिखाते हैं। इसके लिए हमें जो गाड़ी की मैनुअल होती है, मैनुअल को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैनुअल हो गई हमारी, गाड़ी की मैनुअल बंद करेंगे, जैसे ये हमारी डोर है और ये हमारा कंडक्टर साइड का, ठीक है, ये हमारी मैनुअल है, इस मैनुअल को बंद करेंगे। जब मैनुअल बंद करेंगे तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक सही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये हमारा विंडो खुल चुका, और इसमें जो 2 बार की जो सॉकेट होती है, ये होती है पीले और येलो कलर की, ठीक है, इस सॉकेट को बाहर निकालना है, ठीक है। ये सॉकेट हमने बाहर निकाल दिए और ये गेट लगा दिया हमने। अब जिसका जैसे इसमें काम करेंगे, मैनुअल अप डाउन करेंगे, मैनुअल हमारी काम नहीं करेगी, ये मैनुअल हमारी बंद हो चुकी है, ठीक है, ये मैनुअल हमारी बंद हो चुकी है। तो चाबी से लॉक अनलॉक करके दिखाते हैं कि हमारी समस्या सॉल्व हुई या नहीं हुई प्रॉब्लम। तो गाड़ी को सबसे पहले अनलॉक करते हैं, 2 बार बोला, ठीक है, अब लॉक करेंगे गाड़ी को, 1 बार बोला, ये गाड़ी हमारी लॉक हो चुकी है। और पहले क्या प्रॉब्लम थी गाड़ी में, कि गाड़ी के इंडिकेटर कंटिन्यू बराबर ऑन थे, ठीक है, ये अनलॉक 2 बार, ठीक है, और लॉक पे 1 बार। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।